देखेंगे उजास, शाम 6 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार और इस पर लगभग मुहर लग गई है। अमित शाह, नारायण राणे सिंधिया पीएम आवास पर पहुंचे, इसके अलावा अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, पशुपति पारस पीएम आवास पहुंच चुके हैं। शांतनु ठाकुर, अनुप्रिया पटेल का भी नाम इसमें शामिल था और पीएम आवास पर ये भी पहुंचे हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में संभावित मंत्रियों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिलेगा और साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी छाप भी कैबिनेट विस्तार में देखने के लिए मिलने वाली है। और तमाम वो संभावित नाम अब धीरे धीरे करके पीएम आवास पर पहुंचने लगे हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि आज शाम को तमाम ये वही चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, पशुपति पारस पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शांतनु ठाकुर, अनुप्रिया पटेल भी पीएम आवास पहुंचे हैं। शाम को होने वाली कैबिनेट विस्तार से पहले कई नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू है। आपको बता दें, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शांतनु ठाकुर, पशुपति पारस, नारायण राणे, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता बीएल संतोष भी पीएम आवास पर मौजूद है। और माना जा रहा है जो कैबिनेट के संभावित चेहरे हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी संभावित चेहरों से मुलाकात करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश सिंह और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, लगभग ये तय हो चुका है या कहा जाए कि अब इस पर 100% की कंफर्मेशन आ चुकी है कि शाम को 6 बजे ये तमाम वो चेहरे मोदी के कैबिनेट विस्तार में शामिल हो जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि वो तमाम संभावित चेहरे जिन्हें आज जगह मिलने वाली है मोदी कैबिनेट में, वो पीएम आवास पर वही तमाम चेहरे पहुंचे हैं। क्या अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ उन तमाम चेहरे जो कि आज शाम 6 बजे जिन्हें शपथ ग्रहण लेना है, शपथ लेना है, वे संभावित चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 LKM में बैठक में शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष अंदर मौजूद हैं और उनके साथ बैठक चल रही है। जिन चेहरों की बात करें, खुद ITV नेटवर्क ने उन चेहरों को देखा जो कि 7 LKM पहुंचे, नारायण राणे की बात हो या हिना गावित हो, मीनाक्षी लेखी, भूपेंद्र यादव के साथ साथ सर्वानंद सोनोवाल जैसे चेहरे जो कि इस मंत्रिमंडल में जिन्हें शपथ लेना है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी जो अंतिम नाम जो कि पहुंचने वाले हैं वो हैं कपिल पाटिल जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, तो वे चेहरे जिन्हें आज शाम को शपथ लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक चल रही है। और उनकी ओर से जो पिछले बार भी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर संदेश दिया जाता है उन चेहरों को जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है कि आखिरकार उनका लक्ष्य क्या होगा और क्या होना चाहिए, तो ये तमाम जो लगातार अटकलें चल रही थी कि किन चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, अब पटाक्षेप हो गया है और वे सभी चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक चल रही है। राकेश, क्या ये माना जाए कि इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाने की यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोशिश की जा रही है? साथ ही चूंकि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा के चुनाव है, तो क्या आज जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसकी भी एक छाप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? देखिए, साफ तौर पर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां से, आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश से वे चेहरे जो कि अजय मिश्रा के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जो कि इस मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, तो वे चेहरे साफ तौर पर दिख रहे हैं, इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रही बात उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां से अजय भट्ट को मैंने खुद देखा, तो अजय भट्ट यहां पर मौजूद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में आज शपथ दिलाई जाएगी। रही बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जोर है कि जो OBC पिछड़े और महिलाओं से प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये साफ तौर पर जो चेहरे दिख रहे हैं उसे साफ झलकता है कि वैसा ही मंत्रिमंडल का स्वरूप होने जा रहा है। राकेश, हमने ये भी देखा है कि तमाम अब जो युवा चेहरे उन्हें तरजीह दी जा रही है, और साथ ही मैं LJP को लेकर भी चाहूंगी आप तस्वीर ज्यादा साफ कर दें, क्योंकि चिराग पासवान और उनके चाचा को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। खबर ये भी थी कि केंद्र ये नहीं चाहता कि कोई भी नया ड्रामा हो, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस पीएम आवास पहुंचे, तो क्या ये माना जाए कि पशुपति पारस का नाम लगभग तय हो चुका है अब?
देखिए पशुपति पारस की जहां तक बात है तो पशुपति पारस जो है एलजेपी के जो गुट से हुए दावेदार नहीं है, उनके पीछे आपको देखना होगा कि कौन खड़ा है और उसके पीछे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं। तो जिस तरह से लगातार अटकलें चल रही थी और जो रुख अख्तियार किया था एलजेपी नेता चिराग पासवान ने, तो उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए पशुपति पारस को जगह दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और ऐसी स्थिति में जबकि चिराग जो है एक तरह से चेतावनी दे चुके थे कि उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको पशुपति पारस के पीछे कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं। और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें जगह नहीं मिलती अगर एलजेपी कोटे से तो जेडीयू अपने कोटे से देती। तो ये तमाम तरह की जो अटकलें थी उसको पटाचेप करते हुए पशुपति पारस जो है 7LKM पहुंचे हैं जैसा सूत्र बता रहे हैं। राकेश, माना यह भी जा रहा है कि जेडीयू भी कंबे मारने के लिए तैयार नहीं थे और इसके अलावा और भी तमाम जो सहयोगी हैं बीजेपी के, माना जा रहा है कि वो भी कम पदों में मारने के लिए राजी नहीं थे और इसे ही लेकर जो कल की मीटिंग थी वो रद्द की गई थी। तो क्या अब उन तमाम लोगों से बातचीत बन गई है, जितने पद उन्हें ऑफर किए जा रहे थे क्या उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए अभी की बड़ी खबर यही है कि अभी मेरे पीछे मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल से सांसद शांतनु ठाकुर जो हैं 7LKM पहुंचे हैं। तो जो पश्चिम बंगाल जो कि जिसका हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और शांतनु ठाकुर जो मछुआ समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं उनका एक क्षेत्र में काफी प्रभाव है, तो अब ये साफ हो गया है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। तो जहां तक बात आपने जिक्र किया कि जिस तरह से जेडीयू कोटे को लेकर साफ तौर पर बीजेपी की ओर से संदेश गया था कि उनकी ओर से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया सकता है, लेकिन उनकी ओर से 4 की मांग की जा रही थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपीसी को एक कमान सौंपी गई थी नीतीश कुमार द्वारा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करें, तो कहीं ना कहीं सहमति बनी है तभी जो है जेडीयू इसमें शामिल होती दिख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से जो लगातार अटकलें जिन नामों को लेकर चल रही थी अब पटाचेप हो गया है, वे सभी तमाम चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री की ओर से एक सीधे तौर पर संदेश दिया जाएगा कि आखिरकार मोदी सरकार की उद्देश्य क्या है, कार्य करने की रणनीति क्या होनी चाहिए उनकी और उनकी आने वाले समय में क्या लक्ष्य होगा, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ये साफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल राकेश, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। उमेश कुशवाहा ने क्या रिएक्शन दिया है इस विस्तार को लेकर सुनते हैं और तमाम जो रिएक्शन से नेताओं के वो धीरे धीरे एक के बाद एक आने शुरू हो चुके हैं, सुनते हैं। कोई कितना हमारी संख्या में शामिल होगी मंत्रिमंडल में और ये इस पर प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। धैर्य रखिए, बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। आपको यही कि संकेत देना चाह रहे हैं कि हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू जिस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होगी उसी दिन जेडीयू टूटेगी और बीजेपी का ये गेम प्लान है, इनके सांसदों को इनके माननीय विधायकों को तोड़ेगी, इसीलिए वो खास करके जेडीयू के कुछ सांसदों को बीजेपी ने पहले से ही तैयार करके रखा था कि आपको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी मना करते तो भी जेडीयू टूटती और कुछ लोग शामिल होते, तो ये अब जेडीयू का कहीं कोई वजूद नहीं रहा है, ये बीजेपी की बी टीम बनकर के पूरी तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक कर जेडीयू है। जेडीयू जिस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होगी जो कंपोनेंट प्लान है, सब प्लान है, वो इस सरकार ने आने के बाद खत्म कर दिया। एक रोजगार का जरिया होता था, योजनाएं होती थी, कुछ पैसा मिलता था, लोग लाभान्वित होते थे, लेकिन वो खत्म कर दिया। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जरूर हो, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन जो SC ST OBC का हित इस सरकार के अंतर्गत मारा जा रहा है ये पूरी तरह स्पष्ट है। यहां लोगों के लिए अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है,
यहाँ पर लोग बिना ऑक्सीजन और बेड के मर गए हैं, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास मंत्री और मंत्री भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, सारी कवायद इस बात पर लगे हैं कौन कितने ज्यादा मंत्री बना ले जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के जो चुनाव आने जा रहे हैं उसको मद्देनजर देके अपनी रणनीति दिन रात लगानी पड़ी है। तो देखिए, सियासी गलियारों में अब इस कैबिनेट विस्तार को लेकर खलबली जरूर मची हुई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां उसे लेकर निशाना भी साध रही है। राकेश सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राकेश, क्या ये माना जाए कि मोदी कैबिनेट के विस्तार के जरिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है? देखिए, इसके कई मायने हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल विस्तार है कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि ओबीसी से आते हैं, साथ ही साथ एससी महिला के साथ साथ जो हायर एजुकेटेड बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। साथ ही साथ क्षेत्रीय राजनीति को भी साधने की कोशिश की गई है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मसलन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्य हैं, जहां महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी की जो स्थिति है वहां पर उसको और मजबूत करने के लिए पूरी तौर पर आपने देखे कि महाराष्ट्र के कई चेहरों को शामिल किया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। और जिस तरह से जो अटकलें थी कि कई ऐसे चेहरों को ड्रॉप किया जा सकता है, तो उस पर भी कुछ चेहरे को ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन संभावित जो मंत्रिमंडल में नाम है जिनको शामिल होना है उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ 7LKM पर चल रहा है। तो इसमें तमाम चीजों को प्रधानमंत्री ने एक साथ एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश किए हैं। तो क्षेत्रीय गणित, साथ ही साथ जातीय के साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव है, यंग महिला ओबीसी तमाम जो नुमाइंदे हैं उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। राकेश, ये माना जाए कई ऐसे नाम हैं जिन्हें आज इनाम के तौर पर मंत्री पद ऑफर होने जा रहा है, चाहे हम रीता बुगड़ा जोशी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, या फिर अनिल बलूनी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, तो तमाम ये ऐसे नाम है जिन्हें कि नाम के तौर पर कहा जाए मंत्री पद दिया जा रहा है। और भूपेंद्र यादव का नाम भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से उन्होंने बिहार की जीत में एक इबारत लिखी थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, संगठन में अगर कोई बड़ा नाम है, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद, तो उसमें भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका। उनको जहां भी पार्टी की कठिन परिस्थिति होती है वहां पर उन्हें भेजा जाता है और उसमें सफलता वो दिलाते हैं। आपने देखा कि उन्हें अब गुजरात का जिम्मा दिया गया है, तो भूपेंद्र यादव लगातार संगठन के लिए काम करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मंत्री पद दिया जाना ये पहले से ही जो है अपेक्षित था, और आज जो है मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल रही है। तो इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री ने जो है ध्यान में रखा है, जो कार्य अच्छा जिन्होंने कार्य किया है जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और जो मंत्रिमंडल के लिए जिनका रहना जरूरी है उनको जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा रहा है। राकेश, उसके अलावा अगर हम समझे कि फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले के तहत ये बदलाव हो रहा है, क्या इसमें इस बात पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है कि चुनावी जो राज्य है वहां के लोगों को ज्यादा शामिल किया जाए, या फिर जातीय और जो क्षेत्रीय समीकरण, यानी कुल मिला के पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री की इस मंत्रिमंडल का विस्तार का खाका 3-4 बिंदुओं पर तैयार किया गया है, उसमें जो क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर चुनाव जिस राज्यों में होने वाले हैं वहां का समीकरण, जातीय समीकरण और महिलाएं और युवा, इस पर फोकस किया गया है। तो ये तमाम चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। लगातार पिछले 2 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लगातार कवायद चल रहा था उसका आखिरकार पटाक्षेप होने जा रहा है, और आज देर शाम उन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी जिससे
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष लगातार मंथन कर रहे थे। अब राकेश, इसके अलावा अब मुझे लगता है आज की बेहद दिलचस्प तस्वीर ये भी होगी, अब जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो मिनिस्टर्स हैं केंद्र के उनके कामों का एक खाका तैयार करवाया था, रिपोर्ट कार्ड उनका प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया था, तो कहा यह जा रहा है कि कुछ हेर फेर बड़ा बदलाव हमें शाम को दिखाई देने वाला है पुराने मंत्रियों की अगर हम बात करें तो। देखिए, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उसको आश्चर्यचकित करते हैं, तो अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है जो कि क्षेत्रीय समीकरण के ध्यान में रखते हुए, चुनावी जो राजनीति को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, युवाओं और ओबीसी खास तौर पर जो है इसमें शामिल किया जा रहा है, तो ये विस्तार काफी अहम इस दृष्टिकोण से माना जा रहा है कि पिछले दो महीने से लगातार जो मंथन चल रहा था आखिर वो मंथन अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और वे सभी चेहरे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7LKM पर पहुंचे हुए हैं और ये आप काफिला देख सकते हैं, ये काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है और ये काफिला लगा हुआ है, तो ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7LKM पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जो संभावित चेहरे हैं उन्हें साफ तौर पर संदेश दिया जाएगा कि आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल विस्तार का और जो कार्य उन्हें सौंपा जा रहा है, जिन्हें शामिल किया जा रहा है, तो आखिरकार उनका उद्देश्य क्या होगा, उनका लक्ष्य क्या होगा, ये तमाम चीजों प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। ठीक है, आप बने रहिएगा राकेश हमारे साथ, संजय शर्मा और राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गौतम, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बस कुछ ही देर का वक्त बचा है, शाम के 6 बजे का वो वक्त मुकर्रर हुआ है जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और तमाम वो संभावित चेहरे जिन्हें लेकर पहले से अटकली लगाई जा रही थी एक एक करके प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने भी शुरू हो गए। अब तक कौन कौन पहुंचा है, चल क्या रहा है फिलहाल? मैं लाइव पर खड़ा हूं, आप मुझे मैसेज कर दो ना। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं संजय शर्मा के पास जाऊंगी और संजय, हलचल बढ़ गई है इस वक्त, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में लगभग तय हो चुका है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी संभावित मंत्रियों को चाय पर बुला लिया, जो सुबह पहले 9 बजे की चाय का समय था लेकिन बाद में 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी प्रधानमंत्री ने उस कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया और उस समय कैबिनेट के समय फिर सभी संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया। इस समय सारे संभावित मंत्री प्रधानमंत्री के साथ चाय पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन सिर्फ चाय नहीं पी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही करते हैं, जब भी वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं अपने सभी संभावित मंत्रियों को शपथ विधि के पहले अपने घर पर चाय पर बुलाते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सा मंत्रालय वो लेना चाहते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। एक सामान्य इंटरेक्शन होता है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। ये एक सामान्य शिष्टाचार की नाते एक तरीका आप कह सकते हैं ये इंटरेक्शन होता है। उसके बाद भी शाम को 6 बजे शपथ विधि कार्यक्रम होगा। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिएगा, आज का दिन बेहद अहम है चूंकि अब कुछ ही वक्त बचा है शाम को 6 बजे का वो वक्त मुकर्रर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में संभावित चेहरे शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और संजय, आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।